हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में नरेंद्र सर आपको बताएंगे टेंडो मास्टर सिलेंडर के बारे में, जो कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का मेन पार्ट्स होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। तो हमारे पास ये मॉडल है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का, इसके साथ वैक्यूम बूस्टर है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जी, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो ब्लैक वाली गोल जो पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं वैक्यूम बूस्टर। क्या बोलते हैं? वैक्यूम बूस्टर, ठीक है। और इससे आगे क्या है? मास्टर सिलेंडर, ठीक है। सर, इसको मास्टर क्यों बोला गया? तो बोलने का मतलब इसको मास्टर इसलिए बोला गया क्योंकि ये व्हील्स, चारों ही पहियों के व्हील सिलेंडर को ऑपरेट करता है, ठीक है। एक ही जो है सिलेंडर चार सिलेंडर को ऑपरेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? मास्टर सिलेंडर। पहले जब गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग जब हुई थी तो उसमें विदाउट वैक्यूम बूस्टर्स का यूज़ किया जाता था। क्या ताकत ज़्यादा लगती थी, ड्राइवर को अधिक ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। लेकिन वैक्यूम बूस्टर लगाने से क्या है, ड्राइवर हल्का सा पेडल को दबाएगा, बाकी काम जो है इसमें वैक्यूम करेगा वो, ठीक है। वैक्यूम जो है पिस्टन को और पुश रॉड को और आगे धकेलेगा, ड्राइवर को कम ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर हम बात करें मास्टर सिलेंडर की, डायफ्राम होती है, ठीक है। डायफ्राम मैंने आपको पहले उसमें दिखाई थी ब्रेक चैम्बर में, ठीक है। ऐसे आप दबाते हैं, वो डायफ्राम क्या है, यहाँ से बाल ओपन होता है और वैक्यूम क्रिएट होती है, पिस्टन ऑपरेट होता है, ठीक है। पिस्टन ऑपरेट होगा तो पिस्टन के आगे सिलेंडर में ब्रेक फ्लूइड भरा हुआ, वो प्रेशर के साथ पाइपलाइन से कहाँ जाएगा? व्हील सिलेंडर, ठीक है। अलग अलग पहियों के व्हील सिलेंडर है, यहाँ पे जो है ब्रेक फ्लूइड पाइप जो है यहाँ पे जुड़ती है, व्हील सिलेंडर को जा रही है, ठीक है, समझा गया। अगर हम मास्टर सिलेंडर की बात करें तो इसमें एक पिस्टन रहेगा भाई, ठीक है, समझा गया। यही चारों पहियों को फ्लूइड भेजेगा, लेकिन रिक्वायरमेंट गाड़ी की स्पीड अधिक होगी, ठीक है, उससे क्या है रिक्वायरमेंट बढ़गी। उसके बाद क्या है, जो टेंडम मास्टर सिलेंडर यूज किया गया है, ठीक है, जिसमें हर पार्ट्स दो दो रहते हैं। इसमें एक पिस्टन है, एक प्राइमरी कप है, एक सेकेंडरी कप है, एक पिस्टन रिटर्न स्प्रिंग है, एक चेक वाल्व है इसमें, ठीक है, समझा गया। लेकिन इसमें क्या है, वो पार्ट्स डबल हो गए। क्या हो गया? पार्ट्स को डबल कर दिया गया, ठीक है। फिर रियर वाले के लिए अलग कर दिया गया, फ्रंट वाले के लिए अलग कर दिया गया, ठीक है। या फिर एक फ्रंट एक रियर क्रॉस में, ड्राइवर साइड फ्रंट और कनेक्टर साइड रियर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में जो है पाइप को जोड़ा गया, ठीक है। इसमें भी अलग अलग जो है इसके सेक्शन रहते हैं। तो हम बात करते हैं टेंडम मास्टर सिलेंडर की, ठीक है। सिलेंडर बॉडी है, क्या चीज है? सिलेंडर बॉडी, ठीक है, समझा। सिलेंडर बॉडी जो है कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है, और मैक्सिमम जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसी में फिट किए जाते हैं। तो यह रिजर्वियर यहाँ पे फिट होता है, इस पोजीशन में। रिजर्वियर का काम होता है कि ब्रेक फ्लूइड को स्टोर करके रखना। पेडल को दबाते हैं तो ब्रेक फ्लूइड यहाँ से सिलेंडर में, सिलेंडर से व्हील सिलेंडर में पहुंचता है। प्लास्टिक का बना हुआ है। पहले जो मास्टर सिलेंडर आते थे उनमें जो है एक साथ एक ही पीस में जो है कास्ट आयरन का ही बना होता था रिजर्वियर, ठीक है। लेकिन क्या है, कॉस्टली है कास्ट आयरन, प्लास्टिक सस्ता है तो आजकल, और रेड वेट भी कम किया जा सकता है, ठीक है, गाड़ी का। तो बात करते हैं सिलेंडर की, ठीक है। तो सिलेंडर के एक साइड में आप लोग देख रहे हैं जे आर से, यहाँ पे एक प्राइमरी जो पिस्टन रहता है, ठीक है, उससे ब्रेक फ्लूइड का जो प्रेशर है वो दो पाइप में आता है और सेकेंडरी का भी दो पाइप में आता है। इसमें अलग अलग व्हील के लिए अलग अलग पाइप जोड़ी हुई है, लेकिन कई टेंडम मास्टर सिलेंडर में क्या है, एक ही पाइप यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी, आगे क्या है टी ज्वाइंट लगा के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ये प्राइमरी पिस्टन, ठीक है, प्राइमरी पिस्टन हमेशा जो है आगे की तरफ फिट होगा मास्टर सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर में, ठीक है। और ये पिस्टन रिटर्न स्प्रिंग, जब हम प्रेस करते हैं तो पिस्टन तो ताकत से आगे को चला जाता है, लेकिन जब हम पैनल को छोड़ देते हैं तो ये रिटर्न स्प्रिंग जो है पिस्टन को वापस अपनी जगह पे ले आता है। आगे की तरफ ये चेक वाल्व है, ठीक है, चेक वाल्व हमेशा जो है प्रेशर से ही खुलता है और वैक्यूम से बंद होता है। ये डबल काम करता है, इंटेक का भी और एग्जॉस्ट का भी, मतलब टू वे वाल्व। ये पिस्टन
और ये है प्राइमरी कप और ये इस पे चढ़ा हुआ है सेकेंडरी कप। ये कप्स की वजह से ही सिलेंडर के अंदर फ्लूइड में प्रेशर क्रिएट होता है। ये सेकेंडरी पिस्टन, इसमें भी वही है प्राइमरी कप सेकेंडरी कप, ठीक है, और रिटर्न स्प्रिंग चेक वाल्व, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि डबल पार्ट्स इसमें फिट किए जाते हैं, ठीक है। और ये है लॉकिंग स्क्रू, इस लॉकिंग स्क्रू का भी एक पर्पज है लगाने का, ठीक है। इसका लगाने का मेन पर्पज है कि जो प्राइमरी पिस्टन है वो बहुत पीछे ना आ जाए। ये है पुश रॉड, हम ब्रेक पैडल की फ्री प्ले को एडजस्ट करते हैं। फ्री प्ले समझते हैं क्या होता है, वो पोजीशन जिस पोजीशन में आप ब्रेक पैडल को तो दबाए रहे हैं लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रही, वो होती है फ्री प्ले, ठीक है। अगर और मेन पर्पज है कि अगर आप लोगों ने पैर नहीं भी रखा हुआ है तो पिस्टन और पुश रॉड के बीच में थोड़ा क्लियरेंस हल्का सा रहे, अदरवाइज जब हल्का सा प्रेशर बना रहेगा तो ब्रेक पाइपलाइन में भी पूरा हल्का सा प्रेशर बना रहेगा और बीच सिलेंडर के पिस्टन भी बाहर की तरफ फैले रहेंगे, हल्की सी ब्रेक लगती रहेगी जिससे क्या है ब्रेक शू जल्दी गिर जाएंगे। अगर आप सिलेंडर की तरफ देखेंगे तो इसमें कुछ आपको जहां रिजर्वियर फिट होगा कुछ होल दिख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें दो होल इसमें दो होल इसमें, एक मेन होल है और एक बाईपास होल है। मेन होल का काम है कि सीधा फ्लूइड जो है भेजना सिलेंडर के अंदर, और बाईपास का क्या पर्पज है कि जो फ्लूइड रिटर्न वापस आएगा अगर सिलेंडर में पहले से फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड को वापस रिजर्वियर में भेज, काम किसका है ये जो होल की है, ठीक है, बाईपास पोर्ट और मेन ये रहता है भाई टेंडर मास्टर सिलेंडर। और इसको यहाँ पे तो बोल्ड लगा के माउंट किया जाता है चेसिस के साथ या बॉडी के साथ, ठीक है, और आगे पाइपलाइन के द्वारा इसको व्हील सिलेंडर के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। आजकल जितनी भी छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें यही सिस्टम यूज किया जा रहा है। एवीएस आ रहा है, सुना होगा आपने एवीएस, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, तो वो यूनिट भी जो है यहीं पे फिट की रहती है, ठीक है, इसके साथ, ठीक है, समझा गया। वो एक इलेक्ट्रॉनिकल तरीके से काम करता है, ठीक है, समझा गया, सेंसर सिस्टम से काम करता है और जैसे व्हील की स्पीड को सेंस करता है वो हर एक पहिए के ब्रेक फ्लूइड को ब्लॉक करता है छोड़ता है, ब्लॉक करता है छोड़ता है, वो ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। चाहे आपने ब्रेक पैडल दबाया भी है फुल लेकिन फिर भी पहिया लॉक नहीं होगा, कंडीशन के अनुसार जो है ऑटोमेटिकली उसके लिए अलग सा एक ECU लगा होता है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिकली यूज काम करता है। फर्स्ट सिलेंडर बॉडी, मास्टर टेंडर मास्टर सिलेंडर बॉडी, प्राइमरी पिस्टन, पिस्टन रिटर्न स्प्रिंग, चेक वाल्व, सेकेंडरी पिस्टन, सेकेंडरी पिस्टन रिटर्न स्प्रिंग, चेक वाल्व, प्राइमरी कप, सेकेंडरी कप, पुश रॉड, सर्किप लॉक, डस्ट बूट और पिस्टन लॉकिंग स्क्रू, प्राइमरी पिस्टन लॉकिंग स्क्रू। जे कंपोनेंट्स रहते हैं इसमें रिजर्वियर, फिलर कैप और साथ में इसमें गेज भी है, ठीक है, ये गेज का डिपस्टिक गेज का भी काम करता है, हम इसे लेवल चेक कर सकते हैं कि कितना है, ठीक है, समझा गया। जे कंपोनेंट्स जो है एक टेंडर मास्टर सिलेंडर में रहते हैं। आजकल जो आजकल गाड़ियां आ रही हैं उनमें एक और चीज लगी होती है, ठीक है, उनमें फ्लूइड कितना है वो मेंशन आपको ड्राइवर केबिन में ही पता चलता रहता है, एक लैंप लगा रहता है भाई, ठीक है, एक सेंसर लगा रहता है इसमें, वो बताते रहते हैं कितना फ्लूइड है, ब्रेक फ्लूइड कम है लो हो रहा है तो वो लाइट जलना शुरू हो जाती है भाई, ठीक है, समझा गया। तो वो भी आजकल जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है बहुत ज़्यादा, ड्राइवर को अपनी सीट के ऊपर ही सब कुछ पता चल जाता है कि क्या हो रहा है भाई गाड़ी में, क्या सिचुएशन है गाड़ी की, ठीक है, क्या डिमांड है गाड़ी की, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में वो बताता है, ठीक है। इसमें ब्रेक फ्लूइड जो है आजकल .4 आ रहा है, ठीक है।